सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है, वन बाय वन करके कंपैरिजन करके ये भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैश क्रेडिट क्या होता है। कैश क्रेडिट जो होता है ना, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है। देखें, कैश का मतलब पैसा, क्रेडिट का मतलब उधार। एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कंपनीज लेती हैं बैंक से अपने वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए। लाइक कंपनी ने कोई परचेजेस करनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके पास पैसे नहीं तो वो बैंक से लोन ले लेती हैं। कोई रेंट वगैरह पे करना है वो बैंक से लोन ले लेती हैं। इस लोन को हम कैश क्रेडिट बोलते हैं। तो बैंक ये बेसिकली कुछ पीछे बैकएंड पे सिक्योरिटी रख के ये लोन देता है। बैंक कहता है अगर आप हमें पैसे देने में डिफॉल्ट हो गए, आपने हमें पैसे ना दिए, तो हम आपकी इन्वेंटरी जो इस रॉ मटेरियल से आप बना रहे हैं, फिनिश गुड में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको बेच के अपने पैसे पूरे करेंगे। या आपके जो लोगों ने पैसे देने हैं हम उनसे पैसे लेके अपने पैसे पूरे करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल जिसे बोलते हैं। और ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट फॉर एग्जांपल आपका बैंक के अंदर करंट अकाउंट है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डेली की आपकी 5 से 10 लाख की ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसा आ रहा है और जा रहा है, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बैंक को प्रॉफिट दे रहे हैं और बैंक के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन बन गया है। तो इस बेस पे, इस रिलेशन की बेस पे और इस ट्रांजैक्शन की बेस पे बैंक आपको, फॉर एग्जांपल आपने किसी अपने कस्टमर को या अपने सप्लायर को 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, पर आपके बैंक में जो है ना 8 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो बैंक अकाउंट में आपके 8 लाख रुपया पड़ा है। बैंक कहता है यार ये इतने अच्छे से ट्रांजैक्शन करता है और इसके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, तो वो आपको इस बेस के ऊपर 2 लाख रुपया उधार दे देता है, क्रेडिट दे देता है। तो ये जो 2 लाख रुपए की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब आपके अकाउंट में 8 लाख था, इससे ओवर आपको 2 लाख दे दिया, इसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट है तो दोनों का जो लॉजिक सेम ही है, मतलब है दोनों लोन ही है, उधार है। बोथ आर लोन, बोथ आर बोरिंग, मतलब उधार लेना। तो बेसिकली ओवरड्राफ्ट एक तो करंट अकाउंट बता दिया, ट्रांजेक्शन और रिलेशन पे भी मिल जाता है, और एक और चीज पे ये जो लोन मिलता है उसको भी हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। लाइक आपकी कोई बैंक के अंदर सिक्योरिटीज हैं तो उसकी बेस पे आपको लोन मिल गया। फॉर एग्जांपल 4 लाख की सिक्योरिटीज हैं, पर एक रेशियो सेट होती है, ये नहीं कि 4 लाख का ही आपको लोन दे दिया जाएगा, नहीं, 4 लाख की सिक्योरिटीज है, आपको 2 से 2.5 लाख, मतलब 60 से 85% तक आपको सिक्योरिटीज की बेस पे लोन मिल जाएगा। जितनी उनकी वर्थ है उसकी 60% या 80% तक लोन मिल जाता है, तो इसको भी हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अच्छा, अगर कैश क्रेडिट आपको मैंने बताया डिफॉल्ट हो जाए तो फिर इन्वेंट्री बेच के पैसे दिए जाते हैं। और कैश क्रेडिट की क्या रेशो सेट की जाती है कि 50 से 60%, अगर इन्वेंट्री आपकी 4 लाख की है तो आपको 2 से 2.5 लाख के दरमियान में लोन मिल जाएगा। और कैश क्रेडिट में आपको नया, इसके लिए ना आपका एक नया अकाउंट जो होता है वो ओपन किया जाता है और आपको चेकबुक दी जाती है और आप इसके अंदर अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब डेली बेसिस पे जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन करें। और इसी तरह जो ओवरड्राफ्ट होता है उसके अंदर आपका अकाउंट नहीं ओपन किया जाता, पुराना अकाउंट होता है जिसकी बेस पे आपको उधार मिल जाता है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।